आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल कंडीशंस की, अगर मुझे पता करना है कि कौन ग्रेटर देन 50 है, जस्ट पता करना है ग्रेटर देन 50, तो हम सिंपल इफ यूज करेंगे कि इक्वल इफ, इसको सिलेक्ट किया, बोला कि ग्रेटर देन 50 है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, राइट। लेकिन मैं बात करूं बिटवीन की, मतलब कि अगर 50 to 80 हो तो क्या करें। इस केस में हम एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंड, ए एन डी एंड। एंड फॉर्मूला में हम इसको सिलेक्ट करके बोला कि ग्रेटर देन 50, और फिर इसको सिलेक्ट करके बोला लेस देन 80, और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। बट मुझे ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे ओके और पेंडिंग चाहिए, तो इस केस में हम एंड को इफ के अंदर डालेंगे और वहां पे ओके करते हैं और फिर यहाँ पे पेंडिंग करते हैं। समझ गए? तो एंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, समझ में आया? यस सर। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, मेरे पास दो कंडीशन है लेकिन रिजल्ट एक ही है। लेकिन मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल रिजल्ट हो तो, जैसे अगर लेस देन 50 हुआ तो मुझे यहां पे 100 शो करना, और ग्रेटर देन 80 हुआ तो यहां पे मुझे 200 शो करना, ठीक है। अब यहां पे एंड नहीं लग सकता। क्यों एंड नहीं लग सकता? क्योंकि यहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन के साथ साथ मल्टीपल रिजल्ट भी है। तो यहां देते हैं फॉर्मूला इफ और देते हैं कि अगर लेस देन 50 हुआ, ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन 50, और जाहिर सी बात है एक इफ के साथ एक कंडीशन लगेगा। यहां एक और इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन 80 है, ऐसा हुआ तो 500, अदरवाइज 200, फिर वापस हमने इसको क्लोज किया 100। अब समझिए इस कंडीशंस को ध्यान से। हमने दो इफ लगाया, सबसे पहले वो चेक करेगा ए कंडीशंस, अगर 50 से ऊपर हुआ तो फिर वो अगले इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इस 100 को शो करेगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा अगर अच्छा यहाँ पर कंडीशन गलत लिखा हुआ है, वही 50 और 80 तो नहीं, यहाँ हो जाएगा लेस देन 80, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि चेक करेगा, अगर लेस देन 80 हुआ तो 500 को शो करेगा, अदरवाइज 200 को शो करेगा। तो 200 को शो कब करेगा? जब वो 50 से बड़ा होगा। 100 कब शो करेगा? जब वो 50 से छोटा होगा। 50 से छोटा होते ही ये यहाँ पे 100 शो कर देगा, और जैसे ही 50 से बड़ा होगा इसको चेक करेगा, अगर ये चेक करके 80 से छोटा हुआ तो इसको शो करेगा, 80 से बड़ा हुआ तो इसको शो करेगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर एक बार फिर से बताए ना, वो लास्ट वाला 100 में कंफ्यूजन हो रहा है, जो लास्ट में हमने दो इफ लगाया है ना, इसके अंदर कितना पार्ट होता है, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं ना जी, एक क्या तो टू पार्ट एंड वन पार्ट, तो ट्रू पार्ट जी, जी। टू पार्ट के अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया जी, तो इस इफ का जो है चेक करेगा ट्रू पार्ट हो गया ए वाला इफ और फॉल्स पार्ट हो गया ए वाला इफ, ए 100, समझे? जैसे इस इफ के दो है ना 500 200, ऐसे इसके भी दो होने चाहिए, एक में तो इफ लग गया दूसरा में 100 हो गया। अच्छा जी, क्लियर है जी? ये 200 कब लगेगा सर? 200 कब आएगा? 80 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए क्या है, ये चेक करेगा कि A3
50 है कि 50 से ज्यादा है कि नहीं, 50 से ज्यादा हुआ तो फिर वो अपने ट्रू पार्ट में जाएगा जो कि एक और इफ है, अदरवाइज वो फॉल्स पार्ट में आएगा मतलब कि यहाँ पे शुरू करेगा। 50 जैसे नहीं हो नीचे होगा इस इफ को रन नहीं करेगा, वो सिर्फ 100 को शो कर देगा, समझ गया। जैसे ओके और पेंडिंग होता है ना, तो इस इफ के जगह पे ओके हो गया, 100 की जगह पेंडिंग हो गया। दूसरा इफ आएगा तो दूसरा इफ के पास कब आएगा, जब पहला इफ फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड कब करेगा, जब 50 से ज्यादा होगा। दूसरा इफ क्या आएगा, इसका मतलब कि 50 से ज्यादा है। तो यहां हमने बोला कि क्या 80 से कम है, 80 से कम है तो 500 को देखेगा, 80 से कम नहीं हुआ तो 200 को देखेगा, समझे। 80 से कम हुआ तो 200 आएगा ना, क्योंकि इस इफ का ये जो इफ है इसका फॉल्स पार्ट 200 है ना। आप लग रहा है इफ को आपने प्रैक्टिस नहीं किया है क्या सही से। यहां पर देखिए हमने क्या बताया कि अगर ग्रेटर देन 50 होगा तो हम क्या कंडीशन देंगे यहाँ पे, इफ इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 50 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 500 नहीं तो 200 100, ठीक है बराबर। हमने क्या कंडीशन लगाया, हमने कंडीशन लगाया कि अगर A1 50 से ऊपर है तो 500 नहीं तो 100, तो यहाँ पे 500 आया, नीचे देखिए 100 आया सर। अब कंडीशन चेंज हुआ कि नहीं 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 500 हमको उसको देना है जो 80 से छोटा है, 80 से बड़े वाले को 200 देना। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे ना, इफ अगर ए ग्रेटर देन 80 लेस देन 80 हुआ तो 500 शो करो, अदरवाइज 200 शो करो, ठीक है। समझे। yes. तो इस केस में क्या होगा कि इसको हम यहां से कॉपी करेंगे और कहां रख देंगे, यहां 500 की जगह, सिंपल से। तो इसमें दिक्कत क्या है कि 100 वाले पे भी 500 आ रहा है, मतलब कि नहीं नहीं अगर ये 100 50 से कम है, 100 दिया है तो 500 शो ना करे, समझ गया ना। तो इसलिए हमने 500 पे दो इफ डाल दिया, तो दो इफ को हम यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब समझ में आया, चिंटू जी? यस सर, यस सर, यस सर। आया समझ में? यस सर, आ गया। क्योंकि समझ में नहीं आइएगा तो फिर अगला कॉम्प्लिकेटेड है। इसी में अगर हम बात करते और का, जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे डला हुआ है ना, तो मैं चाहता हूं कि सैटरडे संडे के अलावा कुछ भी आता है तो यहाँ आना चाहिए ऑफिस वर्क डे, अदरवाइज वीकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे, और का। हमने बोला कि अगर ये सैटरडे, अब यहाँ पे एंड का क्यों नहीं लगाया हमने फॉर्मूला, क्योंकि सैटरडे संडे में से कोई एक ही हो सकता है ना, एंड लगाएंगे तो दोनों होना चाहिए। यहाँ पे हमने और का लगाया तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स को मुझे अपने रिजल्ट में चेंज करना है तो हम इफ के अंदर में डाल देंगे, यहां पे हो जाएगा आपका वीकेंड अदरवाइज वर्क डे, ठीक है, डब्ल्यू आर वर्क, क्लियर है। यस सर। लेकिन अगर आपका कंडीशन चेंज होता है, भाई मंडे टू फ्राइडे आएगा तो यहां आना चाहिए वर्क डे, सैटरडे आया तो आना चाहिए हाफ डे, ठीक है, और संडे पे होना चाहिए वीकेंड। तो उस केस में अब तो और नहीं, क्योंकि यहां पे मल्टीपल कंडीशंस में मल्टीपल रिजल्ट आ गए तो एंड यूज होगा नहीं, तो यहां यूज करेंगे नेस्टेड इफ। अब यहां पे और क्या है, हम यहां चेक करेंगे कि अगर ये सैटरडे हुआ तो यहीं पे दे दे एचडी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है,
फिर अगर इफ कंडीशन, अगर ए हुआ संडे तो यहां पे दे दे डब्लू ई, अदरवाइज डब्लू आर। तो इसमें क्या हुआ कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट, ये चेक करेगा सैटरडे, अगर सैटरडे हुआ तो सीधे एच डी को शो कर देगा और एक कटम गुट्टी हो जाएगा, समझे? Yes, नहीं तो फिर जो है इसको फॉरवर्ड करेगा, ये चेक करेगा कि अगर सैटरडे हुआ तो डब्ल्यू से करेगा डब्ल्यू आर करेगा, समझे? Yes, sir. मतलब yes, sir. कि अगर उसको पहले रिजल्ट मिल गया तो दूसरा इफ को चलेगा, उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, भूल जाएगा। तो दूसरा इफ कब जाएगा? जब हमारा पहला इफ फॉल्स होगा। तो अभी यहाँ पे समझ लीजिए एंड और का जो है मेथड, कि एंड जब था तो हमने पहला मतलब दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट टू पार्ट में था, फॉल्स पार्ट में नहीं था, किसमें था? टू पार्ट में था, समझे? लेकिन एंड में और में क्या हुआ कि हमारा दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में था, समझे? ऐसा जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास कई सारे कंडीशंस और कई सारे रिजल्ट है, और एक इफ हमेशा एक कंडीशन को चेक करता है और दो रिजल्ट देता है, यस एंड नो, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे रिजल्ट हम निकालते हैं, मां मेरे पास कुछ डेटा है, सब्जेक्ट्स है, इस पर हम तीन सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है? ये तीन सब्जेक्ट का पेपर था और मुझे यहां रिजल्ट देना है, पास और फेल, समझ गए? और तीनों सब्जेक्ट में रिजल्ट अगर 30 से ज्यादा है तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा, समझ गए सर? तो मुझे पास और फेल दो ही देना है, तो यहां पे यूज करेंगे एंड, कि सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन 30, फिर सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन 30, देन सब्जेक्ट थ्री आल्सो ग्रेटर देन 30। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे तक रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आया, तो यहाँ लगे फॉर्मूला इफ का, यहाँ पे पास और फेल, फेल, समझ आया सर? हाँ सर, यस सर। लेकिन इसे मैं मान लीजिए कि मुझे पास फेल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में इसको फेल हुआ है, समझे? तो यहाँ पे चेक करेंगे, बोलेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन 30 है, फिर इफ लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो जितने सब्जेक्ट इफ, समझ गए? और जितने इफ उतने, अब यहाँ पे लास्ट में अगर सब्जेक्ट थ्री चेक कर रहा है, इसका मतलब है सब्जेक्ट टू दोनों पास है, तो सब्जेक्ट थ्री में अगर पास है तो मतलब इट मीन्स पास है, अदरवाइज सब्जेक्ट थ्री फेल है, समझे? फिर कॉमा, अभी हमने यहां पे आ गए दूसरे इफ में, तो दूसरा इफ में भी हमें सब्जेक्ट टू फेल करना होगा, क्योंकि हर इफ फॉल्स पार्ट दोनों होते, फिर यहां पे आल्सो सब्जेक्ट वन आ गया सर। बोलिए, ये C16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 कैसे हुआ? तो ग्रेटर देन 30 होएगा ना, 30 आने में पास है। अच्छा, 30 आने में पास, ओके ठीक है। आप इक्वल टू कब लगाए कि आपने बोल दिया ग्रेटर देन 30, तो 30 जो आएगा 31 पे पास है, पास जी, आपको 30 पे पास करना है, इक्वल कीजिए। और इसमें सर अगर मल्टीपल वो फेल हुआ तो फर्स्ट दिखाएगा,
देखिए क्या होगा, नहीं मतलब कि दो सब्जेक्ट में अगर फेल हुआ तो दो सब्जेक्ट कैसे शो करेगा कॉलम? नहीं शो करेगा, इसमें हमने कंडीशन दिया ही नहीं है, फिर उसके लिए कॉन्केट वाला सिस्टम करना पड़ेगा, वो लेंदी है फिलहाल, उसको भूल जाइए, प्लस सिंपल तो समझ लीजिए, सिंपल ही नहीं समझ पा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेट पे दिमाग जा रहा है आपका। देखिए यहाँ चेक करेगा बी थर्टी, अगर मतलब कि सब्जेक्ट वन अगर 30 है तो सब्जेक्ट दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा सब्जेक्ट टू, टू को चेक करने के लिए, नहीं तो सीधे ए सब्जेक्ट वन फेल है इसको दे देगा और बाकी को चेक नहीं करेगा, सबको भूल जाएगा। फिर सब्जेक्ट ये दूसरा इफ चेक करेगा कि अगर पास है तो तीसरे इफ को देगा, तीसरा तीसरे इफ को देगा, अगर नहीं फेल है तो सीधे ए चेक कर दे इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर तीसरा इफ पास है तो इसको देगा अदरवाइज फेल देगा। और सिंपल सी बात, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ए कैरी सिस्टम है, जैसे एक पहला इफ हुआ, पहले इफ के ट्रू पार्ट में इफ हुआ लास्ट इफ अदरवाइज फेल हुआ, सेम दूसरे के अंदर में कंडीशन हुआ और ए हमारा दूसरा इफ हुआ, तीसरा इफ सॉरी, समझे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ को कैरी किए हुए, समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अलग अलग लगाइए, ठीक है, ऐसे पहले आप यहां लगाइए कि इफ अगर ए इक्वल टू 30 है तो पास, पास अदरवाइज सब्जेक्ट वन, समझ गए? अब मुझे दूसरा इफ के लिए अगेन इफ लगाना है, इफ दूसरा सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 30 तो पास, अदरवाइज सब्जेक्ट टू फेल, समझे? और तीसरा इफ आप यहां लगाइए इक्वल, इफ अगर तीसरा इज ग्रेटर देन 30 तो पास अदरवाइज सब्जेक्ट थ्री फेल, समझ गए? ये वाला ज्यादा इजी लग रहा था, अलग अलग हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें मर्ज, मर्ज ऐसे नहीं होगा, इसको इसमें होगा और इसमें, समझे? हम इसको लेंगे यहाँ यहाँ पे पास डाल देते, इसको डिलीट कर दीजिए, फिर वापस इसको कॉपी कीजिए और जहां यहाँ पे पास है इसके जगह पे उसका। अब ऐसा तो नहीं है लेकिन 8-10 कंडीशन लगाना हुआ तो ये आपका हालत खराब कर देगा ना? नहीं नहीं, हाँ वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो सही रहेगा, ऐसे इजीली समझ में आ गया ये, इजीली वो थोड़ा सा तरीके समझा दिए, अब आपको जो तरीका अच्छा लगता है जिसपे समझे उसपे। जी जी जी। अब मैंने आपको यहाँ पे तीन सब्जेक्ट दिया है ना, इसको आप पांच सब्जेक्ट में करके दिखाइए। पहला असाइनमेंट क्या है, पहला असाइनमेंट है कि जो तीन सब्जेक्ट है पांच सब्जेक्ट में करना है, ठीक है? असाइनमेंट क्या है, यहाँ पे दो चीजें आपको हर दिन के लिए कुछ नया चाहिए। मंडे हुआ तो मेरा दिल्ली में जो दिल्ली का ट्रिब्यून, मान लीजिए कि आपको हर दिन एक अलग सिटी का काम दिया जाता है, मंडे को दिल्ली दिया जाएगा, ट्यूजडे को बनारस दिया जाएगा, फ्राइडे को आपका कुछ और दिया जाएगा, इसी तरह सिटी दिया जाएगा, तो इफ कंडीशन लगाइए, बताइए किस किस दिन कौन सा सिटी है आपका, ठीक है? ओके, वो असाइनमेंट है, इसको आप कीजिए करके दिखाइए, और आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत।